सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनसे जानते हैं सर किस तरह का रुझान जनता को आपको किस तरह रुझान मिला जनता सुब्रमण्य जरूरत नहीं है आप साथ चल रहे हैं बहुत जबरदस्त हर वर्ग से हर बिरादरी का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रियंका गांधी का रोड शो था रोहतक में तो उन्होंने किसानों की बात की थी, बीजेपी सरकार में किसान काफी दुखी है तो क्या मानना है बीजेपी सरकार में किसान किस प्रकार परेशान है? किसान बर्बाद हो गया जो 2014 में पूरे देश के किसान में 8 लाख करोड़ का लगा था उड़ के 15 लाख करोड़ हो गया, लागत बढ़ा दी, आमदनी घट गई, अब कट्टा 800 का 450 हो गया जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और तेल का भाव कम हुआ है, इनका खाद बढ़ गया, खाद का भाव बढ़ा है, कीटनाशक दवाई पर टैक्स हर चीज़ पर टैक्स लगा के कीमत बढ़ा दी, लागत बढ़ गई और जब किसान अपनी फसल लेके जाता मंडी में उसको खरीदार नहीं मिलते, MSP सरकार नहीं दे पाती, मैं भी ज़्यादा आलू 9 पैसे किलो तक बिक गया किसानों का और क्या होगा बर्बादी। 10 साल प्रदेश में आपकी सरकार रही थी, 5 साल से कट्टर सरकार है तो किस तरह का आप विकास में अंतर मानते हैं? विकास में आपको नहीं दिखता विकास यही नहीं, जो विकास हो रहा था वही का वही था, पर पीछे धकेल दिया गया हरियाणा जहाँ कहाँ हमें प्रति व्यक्ति आया प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक छोड़ गए थे हरियाणा आज कहाँ है। बात की जाए मुख्यमंत्री जी की, उनका कहना है कि पिछली बार मोदी जी के नाम पर अब मोदी जी के काम पर वोट मिलेंगे भाजपा, उनका वो उनकी सोच है लेकिन काम दिखता है धरातल में कोई काम नहीं किया, बात बातों में काम किया, क्या काम किया भाई आप बता दो। 2005 से पहले हमारी जब सरकार आई उससे पहले आज जो सोनीपत का इलाका है पार्लियामेंट क्षेत्र है तो एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमारे समय में 9 यूनिवर्सिटी आई और इनके समय में कोई यूनिवर्सिटी आई हो कोई रेलवे लाइन उसकी हो बल्कि वो वैगन फैक्ट्री थी वो देते रहिए कोई नया काम हुआ हो यही बता दो। सब सोनीपत की जनता की बात की जाए सोनीपत की जनता ने हमेशा आपको प्यार व आशीर्वाद दिया है, विधानसभा की बात की जाए 5 विधायक यहाँ की जनता ने आपको चुन कर दिए थे तो अब किस तरह का आप रुझान हुआ आशीर्वाद रहा है हमारा घर है भाई। सांसद रमेश कौशिक बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने सोनीपत लोकसभा में भारी विकास के काम करवाए तो उन्होंने काफ़ी विकास कर ये काम करवाए सोनीपत लोकसभा में, उन विकास के कामों को देखते हुए सोनीपत की जनता उनका साथ देती विकास कराया होता तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी अमित शाह सोनीपत आए थे वो विभिन्न प्रकार के आरोप जो आपकी सरकार थी उस पर लगा रहे थे तो क्या मानना पहले अपना देखें जो उसका उनका किस चीज़ का है उनके ऊपर क्या क्या आरोप रहे हैं। सर JJP की बात की जाए अजय चौटाला दूषण से हमारी बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब की सरकार थी उन्होंने सोनीपत में इतने विकास का आप देख सकते हैं हुड्डा साहब का जो काफिला चला हुआ है रास्ते में किस तरह से उनको जन समर्थन मिल रहा है आप देख सकते हैं ये जो काफिला है आज हुड्डा साहब के जो समर्थक हैं उनमें काफ़ी जोश है, आज का जो ये इनकी रथ यात्रा है बरोदा हल्का और जो गोहाना हल्का है दोनों हल्कों में से आज ये रथ यात्रा विभिन्न गांवों में से गुजर रही है आप देख सकते हैं जो इन कांग्रेस के समर्थक हैं उनमें बुजुर्ग है युवा है तो किस तरह का आप जोश है आप कैमरे में इसको देख सकते हैं कि नैन मीडिया के द्वारा राम राम सुनने में भाई राम राम।